जय हिंद साथियों, वेलकम टू सुमित जैन यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज है 20 दिसंबर और 20 दिसंबर से संबंधित जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे और साथ ही पीडीएफ और जो है स्टडी मटेरियल के लिए आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना है। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए आपको सर्च करना है IAS स्टडी ट्रैक, ठीक है। स्टडी ट्रैक से आपको जो है ज्वाइन हो जाना है और साथ ही फेसबुक पेज से भी आपको जुड़ना है, सर्च करना है IAS स्टडी ट्रिक। दोस्तों वीडियो आपको लास्ट तक देखना है और वीडियो के अंत में मैं एक क्वेश्चन आपको रोज देता हूं, उसका उत्तर आपको कमेंट में लिखना है और आपके कमेंट को मैं रोज नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट डे के वीडियो में जो है मैं शामिल करता हूं। तो आप जरूर लिखें कमेंट में उसका उत्तर, कुछ लोग विस्तृत रूप से लिखते हैं, अच्छा लगता है, और डेली रात्रि 12 बजे आपको लाइव जो करंट अफेयर्स का वीडियो है वो मिलता है, रोज मिलता है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही टेलीग्राम और डिस्क्रिप्शन में मैं नोट्स भी देता हूं, तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाना है। और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, तो कोई भी डाउट आप क्लियर कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। हाल ही में किस राज्य में मौजूद सबरूम नामक स्थान पर इस राज्य का पहला विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाए जाने की घोषणा की गई है? तो किस राज्य में बनाए जाने की घोषणा की है सबरूम नामक? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों त्रिपुरा, यानी कि जो विकल्प नंबर 2 है वो इसका सही हो जाएगा, ठीक है। तो जान लेते हैं त्रिपुरा के बारे में, और त्रिपुरा आया है तो त्रिपुरा से संबंधित हम करंट अफेयर्स को भी जानेंगे। त्रिपुरा राज्य का पहला विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज सबरूम में स्थापित किया जाएगा। इस संबंध में जारी सरकारी सूचना में कहा गया है कि इस प्रोजेक्ट पर 1550 करोड़ रुपये खर्च आएगा, जिससे इस क्षेत्र के लगभग 12,000 लोगों को कौशल आधारित रोजगार मिलेगा। यह स्थान अगरतला से लगभग 130 किलोमीटर दूर है, जो राज्य के आर्थिक हालात सुधारने के लिए मदद करेगा। देश के पूर्वोत्तर राज्यों के बीच सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य में कल्चरल हब बनाया गया है? अब यहाँ से आपको त्रिपुरा से संबंधित एक प्रश्न जो हो जाएगा कि देश के पूर्वोत्तर राज्यों के बीच सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य में कल्चरल हब बनाया गया, तो इसका उत्तर आपका होगा त्रिपुरा में, ठीक है, याद रखना है। देश के किस राज्य में सफेद चाय का उत्पादन किया जा रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो ये भी किया जा रहा है त्रिपुरा में, ठीक है। तीसरा है किस राज्य के तृष्णा वन्य जीव अभ्यारण्य में बिच्छू की नई प्रजाति पाई गई, तो इसका भी उत्तर होगा आपको त्रिपुरा। ये तीन क्वेश्चन आपको करंट अफेयर्स के याद रखना है, ठीक है। और चौथा क्वेश्चन आपका है कि जो है आर्थिक क्षेत्र सेज सबरूम में स्थापित किया जाएगा, जो कि कहां पर है, त्रिपुरा से लगभग 130 किलोमीटर दूर है, ये चीज आपको यहां पर याद रखनी है। अगला प्रश्न है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सुरक्षित पेय की आपूर्ति के लिए जल साथी कार्यक्रम शुरू किया है? जी हाँ दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा उत्तर, ओडिशा, यानी कि जो विकल्प नंबर 4 है वो इसका सही हो जाएगा। जल साथी कार्यक्रम की शुरुआत की है, तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने की है, उड़ीसा राज्य के मुख्यमंत्री ने की है। अब उड़ीसा राज्य के मुख्यमंत्री कौन है, तो उड़ीसा राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं वो नवीन पटनायक जी हैं, ठीक है। और नवीन पटनायक जी ने सभी घरों में सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने से के उद्देश्य से 18 दिसंबर 2019 को जल साथी कार्यक्रम की शुरुआत की। उड़ीसा के सीएम ने अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए स्वच्छ पेयजल के महत्व को दोहराया। जल साथी कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं को स्वच्छ पेयजल की जो है आपूर्ति सुनिश्चित करना है। अब उड़ीसा की बात आई है, तो उड़ीसा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं। 2023 हॉकी वर्ल्ड कप के मैच भारत के किस राज्य में आयोजित होंगे, तो इसका उत्तर आपका होगा उड़ीसा, ठीक है। यूएस में पीपल्स चॉइस अवार्ड किसने जीता, सुदर्शन पटनायक, जो कहां से संबंधित है, उड़ीसा से, आपका उत्तर सुदर्शन पटनायक होगा, ठीक है, पीपल्स चॉइस अवार्ड इन्होंने जीता है। उड़ीसा स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका उत्तर होगा अप्रैल, ठीक है। भारत का ब्लैक पेगोडा किसे कहा जाता है, तो आपका उत्तर होगा जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है उसे ब्लैक पेगोडा कहा जाता है, भारत का, आपका उत्तर होना चाहिए, ठीक है। सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है, तो चिल्का झील, ठीक है, याद रख लेना। ठंड के समय में बारिश कहां पर होती है, तो उड़ीसा में होती है, ये चीज आपको याद रखनी है, महत्वपूर्ण प्रश्न आपके होंगे। चांदीपुर में हाल ही में ब्रह्मोस मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया गया है, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके करंट अफेयर से संबंधित उड़ीसा के बनेंगे। अब है हाल ही में किस भारतीय स्पिनर ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 2 बार हैट्रिक लेने वाले
पहले भारतीय बन गए। तो कौन बन गए हैं? कुलदीप यादव, यानी कि जो विकल्प नंबर एक है वो इसका सही हो जाएगा। कुलदीप अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में दूसरी बार हैट्रिक लेने वाले पहले भारतीय बन गए। उन्होंने पहले वेस्टइंडीज के साई हॉप, जेसन होल्डर और अल्जारी जोसेफ को आउट किया। कुलदीप यादव ने इससे पहले साल 2017 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कोलकाता में हैट्रिक ली थी। उनसे पहले वनडे में चेतन शर्मा, कपिल देव और मोहम्मद शमी ने भी हैट्रिक ली है, तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में अंग्रेजी का साहित्य अकादमी सम्मान 2019 से सम्मानित किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों शशि थरूर। शशि थरूर साहब को साहित्य अकादमी 2019 मिला है। किस भाषा के लिए मिला है? अंग्रेजी भाषा के लिए मिला है, ये चीज याद रखनी है। जान लेते हैं शशि थरूर साहब को किस पुस्तक के लिए उन्हें यह जो है पुरस्कार मिला है। तो शशि थरूर को अंग्रेजी भाषा के साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 के खिताब के लिए चुना गया। उन्हें यह पुरस्कार उनके द्वारा ब्रिटिश काल पर लिखी गई एन एरा ऑफ डार्कनेस के लिए जो है दिया जाएगा, तो ये चीज आपको याद रखनी है। यह वर्ष पुस्तक वर्ष 2016 में रिलीज हुई थी। गौरतलब है कि ब्रिटेन में यह पुस्तक इंग्लोरियस एम्पायर व्हाट द ब्रिटिश डिड टू इंडिया के नाम से जो है प्रकाशित हुई है। तो आपको याद रखना है कि हाल ही में साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है सम्मानित किए गए साहित्य अकादमी पुरस्कार से, तो शशि थरूर साहब को जो सम्मानित किया गया वो अंग्रेजी भाषा के लिए। अब अगला जो हमारा प्रश्न है, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा लिखित किस पुस्तक का हाल ही में ब्रेल संस्करण लॉन्च किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों एग्जाम वॉरियर्स। जी हाँ दोस्तों, एग्जाम वॉरियर्स ये प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा लिखित पुस्तक का नाम है और इसका ब्रेल संस्करण जो है लॉन्च किया गया है। सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता मंत्री थावरचंद गहलोत द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिखित पुस्तक एग्जाम वॉरियर्स के ब्रेल संस्करण का जो है विमोचन किया गया। नेत्रहीन पाठकों के लाभ के लिए पुस्तक में सभी तस्वीरों को विस्तृत रूप से पेश किया गया है। ब्रेल संस्करण से देश के लाखों नेत्रहीन छात्रों को प्रेरणा और मानसिक शक्ति प्राप्त होगी। यह संस्करण राजस्थान नेत्रहीन कल्याण संघ द्वारा तैयार किया गया है। अब राजस्थान की बात आई है तो राजस्थान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो है करंट अफेयर्स के हैं उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। किस राज्य ने रेस नामक नया उच्चतर शिक्षा मॉडल लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान। ठीक है, आपको याद रखना है दोस्तों। अब आपका अगला प्रश्न है, पांचवा इंटरनेशनल आर्मी स्काउट मास्टर कॉम्पिटिशन कहां पर आयोजित किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा जैसलमेर, और जैसलमेर कहां पर है? राजस्थान में है, तो ये चीज भी याद रखनी है। फेमिना मिस इंडिया अवार्ड 2019 ब्यूटी पेजेंट का खिताब किसने जीता है? तो वो जीता है सुमन राव। और हाल ही में जो मिस वर्ल्ड 2019 की जो प्रतियोगिता हुई उसमें भी जो है भाग लिया भारत की तरफ से सुमन राव, और ये तीसरे नंबर पर रही, तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। अगला है, किस सीबीआई के अधिकारी ने नैसकॉम डीएससीआई का इंडिया साइबर कॉप ऑफ द ईयर 2019 का पुरस्कार जीता है? तो इसका सही उत्तर हो जाए दोस्तों बीपी राजू, यानी कि जो विकल्प नंबर एक है वो इसका सही हो जाएगा। यह पुरस्कार उन्होंने राजस्थान में एक इंजीनियरिंग कॉलेज के ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा में फर्जीवाड़े के मामले को हर करने को लेकर जीता है। सीबीआई प्रवक्ता ने यहां बताया कि इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव अजय प्रकाश साहनी ने गुड़गांव में वार्षिक सूचना सुरक्षा सम्मेलन में राजू को यह पुरस्कार प्रदान किया। उन्होंने कहा कि राजू ने इस मामले की जांच की थी और ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा में फर्जीवाड़ा पर्दाफाश इन्होंने किया है। तो आपको याद रख लेना है नैसकॉम डीएससीआई का जो इंडिया साइबर कॉप ऑफ द ईयर 2019 चुना गया है वो बीपी राजू साहब को चुना गया है, ये चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है आपका प्रश्न, गृह मंत्री अमित शाह ने किस शहर में भारत वंदना पार्क के शिलान्यास समारोह में हिस्सा लिया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों नई दिल्ली, यानी कि जो विकल्प नंबर दो है वो इसका सही हो जाएगा। यह देश का सबसे भव्य पार्क होगा। द्वारका सेक्टर 20 में 200 एकड़ में फैला यह पार्क दिल्ली का टूरिस्ट स्पॉट बनेगा। इस पर करीब 524 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने इस पार्क का शिलान्यास किया है, ये चीज भी याद रखनी है। अब दिल्ली की बात होती है तो दिल्ली के बारे में हम जान लेते हैं। पार्क के रिक्रिएशनल जोन में कई तरह की सांस्कृतिक गतिविधियां होंगी। अब एक क्वेश्चन आपका बनेगा कि किस देश के राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस 2020 का मुख्य अतिथि बनाया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ब्राजील। और ब्राजील की आपको पता होगा ब्राजील की जो राजधानी है वो ब्राजीलिया है, और ब्राजील के जो राष्ट्रपति हैं उनको गणतंत्र दिवस 2020 के लिए मुख्य अतिथि बनाया गया है, ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट है, पेटा इंडिया ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2000,
तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों विराट कोहली को। पेटा इंडिया ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2019 चुना है, तो विराट कोहली से आपको चुना है, याद रख लेना है। सितंबर 2019 में यात्री संख्या के लिहाज से दुनिया का 12वां सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा बना है, तो इसका सही उत्तर होगा दिल्ली एयरपोर्ट। तो इतनी चीजें आपको दिल्ली के बारे में पता चलते जाती हैं। फिलहाल भारत वंदना पार्क का जो शिलान्यास किया है वो गृह मंत्री अमित शाह जी ने किया है, ये चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 दिए जाने की घोषणा की, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों नंद किशोर आचार्य को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 दिए जाने की घोषणा की गई है, तो ये चीज याद रखनी है। अब बात आती है साहित्य अकादमी पुरस्कार की, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार सबसे पहले दिया गया था हिंदी भाषा में माखनलाल चतुर्वेदी को, ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। इनकी रचना हेम तरंगणी के लिए ने सर्वप्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, और 2019 का जो पुरस्कार मिला है वो नंद किशोर आचार्य जी को मिला। हिंदी के प्रख्यात कवि नंद किशोर आचार्य को उनके कविता संग्रह छीलते हुए अपने को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 दिए जाने की घोषणा की गई। इनके अतिरिक्त उर्दू के लिए प्रोफेसर साफे किदवई और पंजाबी भाषा के लिए कृपाल कजाक समेत 23 भारतीय भाषाओं के रचनाकारों को वर्ष 2019 का प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। साहित्य अकादमी पुरस्कार सन 1955 से प्रत्येक वर्ष भारतीय भाषाओं की श्रेष्ठ कृतियों को दिया जाता है, जिसमें एक ताम्र पत्र के साथ नगद राशि भी दी जाती है। नगद राशि इस समय लगभग 1 लाख रुपए इनको दी जाती है। तो आपको याद रख लेना है कि अंग्रेजी भाषा में जो साहित्य अकादमी मिला है वो शशि थरूर साहब को मिला है, याद रख लेना, और हिंदी भाषा के लिए जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है वो मिला है नंद किशोर आचार्य को, ठीक है। इतनी चीजें आपको याद रखनी है। इनकी एक कविता है छीलते हुए अपने को, इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। किस देश की ऐतिहासिक मस्जिद को बांध के लिए शिफ्ट किया गया है, तो आपका उत्तर होना चाहिए दोस्तों तुर्की, विकल्प नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। तुर्की देश की ऐतिहासिक मस्जिद 610 वर्ष पुरानी को इलिसू बांध के लिए जो है शिफ्ट किया गया है। इस बांध से 1200 मेगावाट बिजली उत्पन्न की जाएगी। तुर्की यूरेशिया में स्थित एक देश है, इसकी राजधानी है अंकारा, याद रख लेना, महत्वपूर्ण है। इसकी मुख्य और राजभाषा तुर्की भाषा है। ये दुनिया का अकेला मुस्लिम बहुमत वाला देश है जो कि धर्मनिरपेक्ष है। राजधानी इसकी अंकारा है, मुद्रा है टर्किश लीरा, राष्ट्रपति है रजब तैयब एर्दोगान। तो इतनी जानकारी आपको तुर्की के बारे में याद होती है। जब दोस्तों तुर्की भाषा की बात होती है तो तुर्की भाषा में जो है बाबर ने अपनी जीवनी आत्मकथा लिखी थी बाबरनामा। बाबर ने 1526 में पानीपत के युद्ध के साथ जो है मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी दिल्ली सल्तनत में, ये चीज आपको याद होगी, ठीक है। सर्वप्रथम 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य, और बाबर की विजय हुई थी, तभी से जो है मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी थी भारत में। तो ये जानकारी भी आपको यहां पर मिल जाती है। अगला प्रश्न है, लोकप्रिय शास्त्रीय संगीत उत्सव तानसेन समारोह कहां शुरू किया गया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ग्वालियर। और एक प्रश्न और पूछा जाता है कि तानसेन का मकबरा कहां स्थित है, तो आपका उत्तर होना चाहिए ग्वालियर, ठीक है। और जो तानसेन समारोह आयोजित किया गया है वो किया गया है ग्वालियर में, और ग्वालियर कहां पर है, मध्य प्रदेश में, ये चीज भी आपको याद रखनी है, ठीक है। और हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया है मध्य प्रदेश के खजुराहो में, वो चीज भी याद रखनी है। और खजुराहो जो है वो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिला में स्थित है। लोकप्रिय शास्त्रीय संगीत उत्सव तानसेन समारोह ग्वालियर में शुरू किया गया। मध्य प्रदेश के वर्तमान जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है, कमलनाथ जी हैं। और हाल ही में किस राज्य ने खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी में 5% आरक्षण देने की घोषणा की है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश सरकार ने। अब जब मध्य प्रदेश की बात होती है तो ये प्रश्न जो होते हैं करंट अफेयर्स के वो आपको जान लेना बहुत जरूरी है। मुख्यमंत्री मदद योजना किस राज्य सरकार ने लॉन्च की है, तो वो भी मध्य प्रदेश सरकार ने की है। तो इतनी चीजें आपको यहां पर याद हो जाती हैं, ठीक है। और अगला प्रश्न दोस्तों हमारा है कि मोदी सरकार ने किस वर्ष तक सभी गांवों में ब्रॉडबैंड सेवा उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन की शुरुआत की है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2022 तक जो है मोदी जी ने ब्रॉडबैंड सेवा उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन की शुरुआत की। इस मिशन का जो उद्देश्य है डिजिटल संचार की गति को तेज करना और डिजिटल सशक्तिकरण, सुगम डिजिटल सेवा उपलब्ध करवाना। तो ये सारी की सारी जानकारी यहां पर आपको याद रखनी है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में 27 करोड़ से ज्यादा प्रवासी एक साथ बस जाएं, तो दुनिया का कौन सा सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन जाएगा,
तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों चौथा, यानी कि जो विकल्प नंबर 3 है वो इसका सही हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 4 दिसंबर 2000 को हर वर्ष 18 दिसंबर को इंटरनेशनल माइग्रेट्स डे तौर के तौर पर घोषित किया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक दुनिया भर में 27 करोड़ से ज्यादा प्रवासी एक साथ बस जाएं तो दुनिया का चौथा सबसे बड़ा आबादी वाला देश बन जाएगा। ये चीज आपको याद रखनी है। और हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के जो महासचिव हैं वो एंटोनियो गुटेरेस हैं, तो ये जानकारी भी आपको याद रखनी है। और संयुक्त राष्ट्र की बात आती है तो संयुक्त राष्ट्र दिवस हम 24 अक्टूबर को मनाते हैं। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी, तो इसी याद में हम 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस भी मनाते हैं, तो ये जानकारी भी आपको यहां पर लग जाती है। दोस्तों अब एक प्रश्न आपको बताना है कि निम्न में से कौन से राज्य की पुलिस हाल ही में 7वीं ऐसी पुलिस बनी जिसे राष्ट्रपति निशान से सम्मानित किया गया है। ये 4 विकल्प आपके सामने मौजूद हैं, आपको कमेंट में उत्तर लिखना है और बताना है कि किस राज्य की ऐसी 7वीं पुलिस बनी है जिसे राष्ट्रपति निशान से सम्मानित किया गया है, आपको याद रख लेना है, कमेंट में बताना है, शीघ्र ही आपको कमेंट लिखना है और आपके जो कमेंट है वो नेक्स्ट वीडियो में शामिल किए जाते हैं। कुछ लोग विस्तृत रूप से लिखते हैं तो आप भी विस्तृत रूप से लिखने का प्रयास करें। सब्सक्राइब आपको करना है चैनल को, बेल आइकन को भी दबाना है दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर ज्यादा से ज्यादा करना है और फेसबुक पेज से भी आपको जुड़ना है। IAS स्टडी ट्रिक फेसबुक पेज है, उस पर आपको जुड़ना है। PDF और स्टडी मटेरियल आपको फेसबुक पेज से मिलेगा, साथ ही टेलीग्राम ग्रुप से बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं तो टेलीग्राम ग्रुप से भी आपको जुड़ना है, सर्च करना है IAS स्टडी ट्रिक। देखते हैं दोस्तों पिछले वीडियो के महत्वपूर्ण कमेंट जो सभी साथियों ने किए हैं। आज के वीडियो में जो सर्वप्रथम कमेंट किया है वो उदय कुमार जी ने लिखा है, इन्होंने लिखा कि आवाज कम रहती है, बिल्कुल बढ़ाने का प्रयास करेंगे उदय कुमार जी। सौम्या कुमार जी, इन्होंने उत्तर बताया बी इज करेक्ट है। खान कुमार जी, इन्होंने भी लिखा है थैंक्स सर, वेरी गुड। मोहम्मद सलीम खान जी, इन्होंने भी सही उत्तर बताया है, मोहम्मद सलीम जी ने, वेरी गुड। और रईस भाई जी ने भी लिखा है बहुत बढ़िया। और जय सिंह एग्जाम शूटर ने भी बहुत बढ़िया पूरा लिखने का प्रयास किया है, वेरी गुड जय सिंह जी। उदय कुमार जी पाल, इन्होंने लिखा है बहुत बढ़िया, थैंक यू उदय जी। रिया चौधरी जी, इन्होंने भी नेपाल उत्तर सही बताया है, रिया चौबे जी सॉरी, इन्होंने सही उत्तर बताया है। उपेंद्र जी, इन्होंने भी सही बताया है, वेरी गुड। अमित कुमार जी ने भी बहुत बढ़िया। सतीश मिश्रा जी नेपाल, इन्होंने सही बताया है। और उपेंद्र जी ने बताया, उदित कुमार जी ने बताया है, देवेश जी ने बताया, देवेश जी हमेशा विस्तृत रूप से लिखते हैं। उदित पाल जी ने भी पूरा अच्छे से लिखा है, नेपाल के उद्योग सूर्यकरण आयोजित किया गया, वेरी गुड उदित जी। और सतीश जी ने भी सही उत्तर बताया है, सतीश जी वेरी गुड सतीश जी। और मनोज कुमार जी, इन्होंने भी लिखा है थैंक यू मनोज जी। और धर्मपाल जी भी, इन्होंने भी लिखा है वेरी गुड। और मनोज जी और रेणुका सिंह जी सभी ने सही उत्तर बताया है दोस्तों। और भी कमेंट देखते हैं, नेक्स्ट जो कमेंट किया है उमा देवी जी ने, मधुराज जी ने, वेरी गुड, इन्होंने सही उत्तर बताया है, तो आप लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट जो कमेंट किया है वो अंबिका कुमार जी ने किया है, इन्होंने भी लिखा है देव ने भी, इन्होंने डाउनलोड नहीं हो रही है, हो जाएगी, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाए, टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी आपको अंबिका जी, वेरी गुड। और आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, इसी प्रकार से चैनल को सपोर्ट करते रहें, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। शाम को 6:30 बजे सेल्फ स्टडी क्लासेस में आपकी लाइव क्लास होती है, वो जरूर देखें, ठीक है। और IAS स्टडी ट्रिक यूट्यूब चैनल में आपको हिंदी व्याकरण से संबंधित निरंतर जो है वीडियो हमें शास्त्री सर द्वारा प्रेषित किए जा रहे हैं, तो वो जरूर देखें दोस्तों। और जो भी 2019 से संबंधित करेंट अफेयर्स हैं, चाहे आपके शिखर सम्मेलन हो, चाहे आपके नागरिकता संबंधी कोई भी क्वेश्चन हो और ब्रांड एम्बेसडर संबंधी कोई भी क्वेश्चन हो, तो वो सारे के सारे वीडियो अपलोड हो रहे हैं निरंतर, तो आप इसी तरह से चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, जय हिंद।